हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बूमिंग शेयर स्टॉक में और एक नए फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करने वाले ₹5 के ऐसे शेयर के बारे में। जी हाँ, तो दोस्तों बाजार में हर कोई निवेशक यही सोचता है कि जो उसका चुना हुआ शेयर हो उसे अच्छे रिटर्न दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ज़्यादातर निवेशक नुकसान का ही सामना करते हैं। जी हाँ, सामना करते हुए दिखाई देते हैं और काफी न्यूज आती है। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले ₹5 के ऐसे शेयर के बारे में जिसकी चर्चा मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रही है और लाइमलाइट का हिस्सा बना हुआ है। तो हमने और हमारी टीम ने काफी रिसर्च करने के बाद ये सारी जानकारी आप तक लाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी का नाम, कैसे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल, रिजर्व, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न ए टू जेड क्लियर करके हम आपको बताने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनती करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड से जुड़े हर छोटे मोटे अपडेट की जानकारी रेगुलर प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ शेयर बाजार से जुड़े हर छोटे मोटे अपडेट की जानकारी रेगुलर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चलते हैं और इस कंपनी की फुल एनालिसिस करते हैं। जी हाँ, तो अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसकी 63.80 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखा जाए तो अभी ₹5.58 पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और इसकी हाई की बात करें तो हाई इसकी ₹15.20, लो इसकी ₹4.95, तो ये अभी लो पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। स्टॉक पी की बात करें तो ₹36.30 है और बुक वैल्यू इसकी ₹1.47। अगर आर ओ सी पे नजर डाले तो 8.96% की, आर ओ पे नजर डाले तो 14.6% की है। दोस्तों इस शेयर का फेस वैल्यू ₹1, जी हाँ ₹1। चलिए हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी की, जी हाँ, सेल्स इसका 2021 में इस कंपनी का सेल जो हुआ था 10.82 करोड़ की सेल्स कर रही थी, वही देखा जाए तो दिसंबर 2023 में 22.72 करोड़ की सेल्स कर रही है और एक्सपेंसेस 21.45 करोड़ की एक्सपेंसेस है कंपनी का। अगर हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 0.39 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है और नेट प्रॉफिट 0.29 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें प्रॉफिट एंड लॉस तो सेल्स इसका 2012 में जीरो था, ये जो सेल्स करना स्टार्ट की थी 2013 से 48 करोड़ की सेल्स करी थी, जब से लगातार अपने सेल्स को बढ़ा रही है और अभी के 100 करोड़ की सेल्स कर रही है और एक्सपेंसेस भी कंपनी का 96 करोड़ की एक्सपेंसेस है कंपनी का। अगर हम देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 3 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है और नेट प्रॉफिट 2 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। तो कंपनी का ईयरली रिजल्ट भी कंपनी का काफ़ी बढ़िया रहा है। अगर हम कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 14% है और 5 ईयर में 9% और 10 ईयर में 10% की है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 65% है, 5 ईयर में 28% और 10 ईयर में 28% की है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 1 ईयर में 34% माइनस में और 3 ईयर में 50% है और 5 ईयर में 16% और 10 ईयर में 15% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी पे नजर डाले तो लास्ट ईयर 15% है और 3 ईयर में 10% का है और 5 ईयर में 8% दिया और 10 ईयर में 5% दिया अपने निवेशक को। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल, जी हाँ, इक्विटी कैपिटल इस कंपनी का 2012 में 4 था, वही देखा जाए तो अभी 11 की हो गई इक्विटी कैपिटल। रिजर्व देखा जाए तो कंपनी का 5 करोड़ का रिजर्व है, वहीं उधार तो उधार कंपनी के पास 50 करोड़ का उधार है। जी हाँ, तो 5 करोड़ की रिजर्व है, उधार 50 करोड़ की, तो यहाँ पे थोड़ी सी उधार ज़्यादा कंपनी के ऊपर। अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 11 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है और एसेट पे नज़र डालें तो एसेट कंपनी के पास 63 करोड़ का एसेट है। जी हाँ, तो कंपनी के ऊपर थोड़ी उधार ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे देखें शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास, जी हाँ, प्रमोटर के पास 61.33% की शेयर होल्डिंग है, बाकी बची हुई पब्लिक के पास है 38.68% की। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। जी हाँ, 61% से प्लस की है शेयर होल्डिंग और पब्लिक के पास कम है। तो देखा जाए तो हो सकता है जिस हिसाब से ये शेयर की चर्चा चल रही है और कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, नेट प्रॉफिट कंपनी का 2 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है ईयरली बेसिस पे, तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और हो सकता है आने वाले समय में आपको बेहतर
बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ क्या है, सिर्फ यही है कि उधार कंपनी के पास 50 करोड़ का उधार है और जो रिजर्व है कंपनी के पास ओनली 5 करोड़ का ही रिजर्व है। तो हो सकता आने वाले समय में आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से इस शेयर की मीडिया में चर्चा चल रही है और लैमिनेट का हिस्सा बना हुआ। तो दोस्तों हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम डिलीजेंट इंडस्ट्री लिमिटेड है, जी हाँ दोस्तों, और ये शेयर 1995 से लगातार अपने सेक्टर में काम कर रही है, 1995 से लगातार अपने सेक्टर में काम कर रही है और जिस हिसाब से इस शेयर की चर्चा है मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो दोस्तों ये जो मैंने जानकारी निकाली और न्यूज़ चैनल के माध्यम से निकाली है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये सारी जानकारी आप तक लाने का प्रयास किया। तो अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, और निवेश करने से पहले एक बार खुद से रिसर्च जरूर करना दोस्तों, और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाया ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगा। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंड शेयर लेने के लिए ना बेचने दोस्तों, और दोस्तों मैं कोई से भी रजिस्टर्ड फाइनेंस एडवाइजर नहीं हूं, तो अगर निवेश करते तो एक बार खुद से रिसर्च जरूर करना दोस्तों और एक बार अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह जरूर लेना। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।